सर टोटल सीट्स 4,600 है। 6,40,600। या मैं जस्ट चेक कर लेता हूँ, डोंट वरी। सिक्स फोर जीरो सिक्स डबल जीरो यस। जस्ट बेटा मैं वेट करता हूँ 2 मिनट्स के सब लोग रिजॉइन हो जाए। ओके अब देखो असेट साइड का टोटल हमने फाइंड कर लिया 6,40,600। सो अगर असेट साइड का टोटल 6,40,600 है तो लायबिलिटी साइड का कितना होगा? 6,40,600। क्यों? बिकॉज दोनों साइड का सेम ही होता है। अब लायबिलिटी साइड किस चीज का बैलेंस मिसिंग है? कैपिटल अकाउंट। बस दैट इज और कुछ बाकी है? नो 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 सर। बोलो तो कैपिटल का टोटल बैलेंस कितना होगा? 6,40,600 इसमें से ये दो चीज माइनस कर दो। 3,96,400। लिसन बाकी सब लोग समझ लो कि कैपिटल का बैलेंस, टोटल कैपिटल का बैलेंस कैसे फाइंड करना है। जो ये टोटल है 6,40,600 उसमें से एक तो ये 10,000 माइनस करना है और दूसरा ये 2,34,200 माइनस करना है। सो 3,96,400। ये पता चला कैसे आया? यस सर। यस सर। अब सी ये जो सारा कैलकुलेशन मैंने किया, क्यों ये कैलकुलेशन किया? बिकॉज मुझे ये नहीं पता था कि टोटल न्यू कैपिटल कितना होगा। जो पहले वाला सम था उसमें हमें टोटल न्यू कैपिटल पता था। क्यों? बिकॉज उसमें क्या लिखा था कि न्यू टोटल कैपिटल वुड बी इक्वल टू ओल्ड टोटल कैपिटल। बट यहां पर हमें न्यू टोटल कैपिटल कितना होगा नहीं पता था। मैं वापस समझा देता हूं कि ये कैसे फाइंड करने का। आपको पूरे असेट का टोटल कर लेने का, बट एक चीज ध्यान रखना कि जब असेट का टोटल करो सो मेक श्योर वहां बैंक अकाउंट का बैलेंस पहले से हो। अगर बैंक का बैलेंस आप नहीं लिखोगे तो ये आपका टोटल गलत हो जाएगा। सो बैंक का बैलेंस लिख दो, उसके बाद जो असेट साइड का टोटल होगा वही लायबिलिटी साइड का टोटल होगा और जो मिसिंग बैलेंस होगा वो किसका होगा? कैपिटल का। अब ये तो टोटल कैपिटल आया, अब इसमें से कितना मून का होगा, कितना स्टार का होगा, वो लोग कैसे फाइंड करेंगे? एडजस्टमेंट देखो पता न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, वो लोग कौन से रेशियो में अपना कैपिटल मेंटेन करेंगे? न्यू रेशियो 5:1। तो करो बेटा डिवाइड आप लोग 3,96,400 को 5:1 में। 330,333 यस। फिर 333 आएंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं है। मतलब 3,30,333 और दूसरे का क्या आएगा? 66,067 ऐसा है ना? 66,667 बराबर? नहीं सर, 66,067। अरे सॉरी, 66,067 सॉरी। बराबर? यस सर।
लिसन, मैं ये वापस पूछ रहा हूँ सबको, ये जो मैंने कैपिटल फाइंड किया इसमें किसी को डाउट? बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम मैं सिखा रहा हूं। अब ये क्या है, कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है? सेम, यस और नो? यस सर। तो कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट सबसे नीचे लिखना है बेटा। सो मून का कितना है? 330। और इसका है 330। अब लिसन, अब वहां पर कंडीशन लिखा हुआ है कि ये जो आप बैलेंस फाइंड करोगे उसका जो डिफरेंस आएगा, पढ़ के बताओ कहाँ ट्रांसफर करना है? कैश अकाउंट का काम, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, या तो कैश अकाउंट बोलो या बैंक अकाउंट, दोनों सेम है। तो एक काम करो, टोटल करो मून का, कौन सी साइड का ज्यादा है मून का, डेबिट साइड का क्रेडिट साइड का? मुझे डेबिट साइड का ही लग रहा है। डेबिट साइड का करो टोटल, 372333। 372333 और डिफरेंस 178133 ट्रांसफर बाद में करता हूँ बैंक अकाउंट में। स्टार का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, देखो कितना है बताओ। ₹2,44,200। अब उसका भी सेम डिफरेंस आएगा, चेक करो। यस सर, सेम डिफरेंस। और ये ऑलवेज ऐसा होगा, दोनों का डिफरेंस ऑलवेज सेम ही आएगा। क्यों सेम आएगा? उसका सिंपल लॉजिक ये है कि उनको एक सर्टेन रेशियो में कैपिटल मेंटेन करना है, तो वो रेशियो में मेंटेन करने के लिए किसी को थोड़ा कैश लाना पड़ेगा। तो जो पार्टनर जितना कैश लाएगा उतना ही एग्जैक्टली दूसरा पार्टनर ले जाएगा। मुझे ये बताओ कि कौन सा पार्टनर कैश लाया और कौन सा पार्टनर कैश ले गया, देख के बताओ। मून लाया और स्टार ले गया। वेरी गुड, मून कैश लाया, क्यों? बिकॉज वो क्रेडिट साइड उसका डिफरेंस आ रहा है, और स्टार कैश ले गया बिकॉज डेबिट साइड उसका डिफरेंस आ रहा है। क्यों ऐसा भी हो रहा है? बिकॉज देखो, मून को ज्यादा कैपिटल रखना है, उसको कितना कैपिटल रखना है, 330,000। इसलिए उतना ज्यादा कैपिटल रखने के लिए उसको कैश लाना पड़ेगा, और स्टार को बहुत कम कैपिटल रखना है, कितना रखना है, सिर्फ 66,067। तो वो कैपिटल उतना कैश ले जाएगा। अब ये जो दो बैंक अकाउंट हमने लिखे उसके सेकेंड इफेक्ट बैंक अकाउंट में लिखेंगे, 178133। अब स्टार की डेबिट साइड है तो वहां पर बैंक की क्रेडिट साइड स्टार होगा, क्रेडिट साइड जाए। और यहां पर आ जाएगा मून। अब आपको ऐसा क्वेश्चन होगा कि सर बैंक अकाउंट तो हम अभी क्लोज करेंगे, आपने तो बैलेंस पहले से लिख दिया था, बट वो बैलेंस तो वही आने वाला है। क्यों? जितना हमने डेबिट साइड लिखा उतना ही तो क्रेडिट साइड लिखा, और ये ऑलवेज ऐसा ही होगा। सो भले बैलेंस हम अभी मैं लिखूंगा बैलेंस, लेकिन मैंने पहले ही फाइंड कर लिया था, देखो 1,15,600 अभी भी वही आएगा। बताओ टोटल कितना है बेटा डेबिट साइड का?
ये जगह नहीं, मैं नीचे लिखता हूँ 3 5 3 5 3 1 3 3 3 की जगह 1 आएगा आगे। एक सेकंड ना बेटा, 3 5 1 बोल रहे हो आप? नो सर, बराबर ही है बेटा। सर बराबर ही था। हाँ और बैलेंस तो वही आएगा 59,400। जो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। हुआ क्लियर सबको? सर बैलेंस वन, सर बैलेंस तो 1,15,600 आएगा। अरे हाँ हाँ सॉरी सॉरी 1,15,600 हाँ ये वाला। सॉरी सो ये लिखो, मतलब आप पहले बैलेंस फाइंड करो या अभी बैलेंस फाइंड करो, बैलेंस सेम ही आएगा और सेम आए तो ही तो हम कैलकुलेट कर पाए, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है वो कैलकुलेट करना असेट साइड। सो हुआ क्लियर बेटा ये एडजस्टमेंट सबको? यस सर। ओके अब ऐसा सेम एक और सम है इलस्ट्रेशन में, आपने लास्ट कौन सा इलस्ट्रेशन किया? 20 किया ना। ओके सो लिसन 21 में आपको दे रहा हूं बट 21 इसके जैसा नहीं है, इससे तो इजी है काफी। हाँ नहीं सॉरी बेटा 21 ऐसा ही है, सेम ऐसा ही है 21। नहीं तो एक काम करो 21 मैं ही करवाऊंगा बेटा, क्योंकि इसमें एक दो एडजस्ट वो बैड डेट्स वाला भी है, सो आई वांट, सो 21 रहने दो, 22 भी रहने दो, वो मुझे ही करवाना पड़ेगा। ठीक है आज कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूं बिकॉज सारे मुझे ही करवाना। एक काम करो एक्सरसाइज का, एक है एक्सरसाइज का क्वेश्चन 9 ओपन करो बेटा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन 9 मैं शेयर करता हूं। देखो ये माधव राधा एंड गोपी, इसमें सिर्फ एक चीज अलग है जो आप नहीं करोगे तो चलेगा, और दूसरा देखो ये एडजस्टमेंट है ना बेटा, जो ये इन्वेस्टमेंट का वैल्यू लिखा हुआ है वो एडजस्टमेंट है। आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। ओके यस सर। लिसन बेटा ये जो इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है ना 64,000, तो ये एडजस्टमेंट है। आपको क्या समझने का, 58,000 के इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 64,000 हो गया, मतलब उसका वैल्यू इंक्रीज हो गया है। आएगा एडजस्टमेंट? यस सर। ओके हाँ सर। दूसरा इसमें एक और चीज लिखा हुआ है, देखो लास्ट सिक्स्थ वाला एडजस्टमेंट 5,000 टू बी पेड टू राधा इन कैश एंड बैलेंस अमाउंट इन टू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट With 10% इंटरेस्ट पर एनम। ये इतना जो पोर्शन है ना आप इसको कैसे कंसिडर करना, आप ब्रैकेट में लिख दो पेंसिल से 5,000 टू बी पेड टू राधा इन कैश एंड बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट, बस इतना लिख दो, वो कैंसिल नहीं करना क्योंकि वो वाला पोर्शन एग्जाम में नहीं आएगा, बाद में मैं सिखा दूंगा। 5,000 टू बी पेड टू राधा इन कैश
एंड बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू हिज लोन, बस वो जो लिखा है ना इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, वो सब मैं नहीं जाना अभी क्योंकि दैट इज ऑल्टुगेदर डिफरेंट थिंग। तो क्वेश्चन 9 करना है होमवर्क में, ओके। और दिस संडे कंप्यूटर का टेस्ट है, चैप्टर्स मैं आपको शाम तक बता दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है सर? आज ये शाम पर है वो वीडियो भेज देना। हाँ बेटा, इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है? ओके या ठीक है बेटा, शैल आई एंड द मीटिंग? या बोलो सर, वो जो वेनस्टे को टेस्ट है वो कितने मार्क्स का होगा? बेटा वो सेम दो दो सम्स पूछूंगा, 11-11 मार्क के दो सम, 22 मार्क्स का। ठीक है ना? ओके सर।